नमस्कार, आप देख रहे हैं टुडे 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ साक्षी निर्वाण। छत्तीसगढ़ के बलरामपुर जिले में विद्या की देवी मां सरस्वती की पूजा की तैयारियां शुरू हो चुकी है। मूर्तिकारों का पूरा परिवार मूर्तियां बनाने में जुटे हुए हैं। इस वर्ष 5 फरवरी को बसंत पंचमी यानी कि सरस्वती पूजा है, लेकिन मूर्ति बनने से पहले ही एक बार फिर कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के बढ़ते प्रकोप ने मूर्तिकारों को उदास कर दिया है। पिछले 2 वर्षों से कोरोना महामारी के कारण पूजन उत्सव को लेकर उत्साह कम हुआ है, जिस कारण मूर्तिकार कम मूर्तियां बना रहे हैं। मूर्तिकारों का पैतृक व्यवसाय चौपट होने की कगार पर पहुंच चुका है। बलरामपुर जिले में मूर्तिकारों के ऐसे ही कई परिवार हैं जो पीढ़ियों मूर्तियां बनाकर बेचने का व्यवसाय कर रहे हैं। गीता सरकार है, हम लोग 2 महीना से मूर्ति बना रहा है। बहुत मेहनत है बाबू, इसमें मिट्टी भी खरीदना पड़ता है, फिर लकड़ी भी खरीदना पड़ता है, लोहा काठी सब कुछ खरीदना पड़ता है, लेकिन उतना रेट नहीं मिलता है मूर्ति को। हम लोग पूरा परिवार मूर्ति को बनाता है, पूरा परिवार मिल के बनाते हैं। पिछले साल हम लोग 50-60 बनाया था, इस साल 40 को बना रहा है। लग बना रहा है, बिकेगा कि नहीं कोई पता नहीं है। ये सामान कलकत्ता से आता है, बहुत महंगा सामान आता है। अभी लॉकडाउन में थोड़ा बढ़ा दिया सब चीज़ का रेट। एक मूर्ति का रेट 700-800-900, जैसे डिजाइन वैसे रेट है, लेकिन उतना पैसा नहीं देते हैं उन लोग। कोरोना के चलते बहुत नुकसान हुआ है बाबू, बिक्री भी कम हो गया है और रेट भी कम हो गया है सब चीज़ का। मूर्ति का भी रेट कम है, बहुत कम है, जैसे मेहनत है वैसे नहीं मिलता है। पूरा परिवार इसमें मेहनत करता है, 2 महीना से हम लोग कर। पहले हम लोग अभी मूर्ति का बिजनेस कर रहे हैं, पहले हम लोग के दादाजी मूर्ति बनाते थे, अभी हम लोग भी सीख गए हैं धीरे धीरे, अभी हम लोग भी मूर्ति बना रहे हैं। जब से लॉकडाउन आया है तब से हम लोग का व्यवसाय है जो बहुत ही कम चल रहा है। मूर्ति पहले जैसा उतना ऑर्डर नहीं मिल रहा है, और ऑर्डर मिल रहा है फिर भी उतना अच्छा मूर्ति भी ऑर्डर नहीं मिल रहा है, क्योंकि लॉकडाउन में अभी सब जगह स्कूल कॉलेज बंद है। अभी हम लोग सरस्वती जी का पूजा है 5 तारीख को, उसी के लिए हम लोग सरस्वती मूर्ति भी बना रहे हैं। तो लॉकडाउन जब से हुआ है तब से सामान का रेट भी हम लोग का बढ़ गया है, और हम लोग का सामान सब बाहर से आता है कलकत्ता से, तो कलकत्ता से भी उन लोग भी सभी सामान का रेट बढ़ा दिया है, जिससे हम लोग का इनकम भी उतना नहीं हो पा रहा है इसमें। तो पिछले बार हम लोग 60-70 मूर्ति बनाए थे, इस बार हम लोग 50-40 मूर्ति ही फिलहाल अभी बनाए हैं। अभी हम लोग इसका रंग पेंट 5 दिन पहले करेंगे, तो उसके बाद सजाना भी पड़ेगा, तो हम लोग 5 दिन पहले इसमें पेंट करने वाले हैं। और मौसम ऐसा है, हम लोग को मशीन से सुखाना पड़ेगा इसका।